साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ हिंदी सीखें के आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ ऐसे शब्द लेकर आए हैं जो पढ़ने में, सुनने में और लिखने में एक जैसे हैं, कुछ कुछ एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ में बहुत अंतर है। ऐसे ही शब्द हम आज लेकर आए हैं, तो आइए हम इन शब्दों को शुरू करते हैं, पढ़ेंगे और इनके अर्थ को भी जानेंगे। सबसे पहला शब्द हमारा है अनल और अनिल। यहाँ पर ना में छोटी ई की मात्रा का अंतर है और पूरा शब्द एक जैसा है, अनल और अनिल। अनल माने आग और अनिल माने वायु यानी हवा। ऐसे ही एक शब्द है अंश और अंश। अंश माने भाग यानी हिस्सा और अंश माने कंधा। इसमें सिर्फ इतना अंतर है, इस अंश में तालब्य शाह है जिसे हम बोलचाल की भाषा में शरीफा वाला शाह कहते हैं, और इस वाले अंश में दंत शाह है जिसे बोलचाल की भाषा में सरोता वाला शाह कहते हैं। लेकिन इनके अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। इसे अंश को भाग या हिस्सा कहते हैं, इस अंश को कंधा कहते हैं। अगला शब्द हमारा है अंगना। अंगना और अंगना, इसमें बहुत कम अंतर है। यहाँ पर अंग अंग है और यहाँ पर आ में चंद्र बिंदु है। तो ये अंगना माने होता है स्त्री और अंगना माने होता है आंगन। ऐसे अगला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा माने आशा और उपेक्षा, उपेक्षा माने तिरस्कार या त्याग। अगला शब्द हमारा अंत। अंत माने समाप्ति, अंत्य, यह अंत्य है। अंत्य माने नीच। अंत माने समाप्ति और अंत्य माने नीच। ऐसे अगला शब्द है अर्थ। अर्थ माने मतलब यानी माने, और अर्थ अर्थ माने धन। ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी अर्थ को धन भी कहते हैं और अर्थ को माने भी कहते हैं। जैसे हम अभी आपको अर्थ बता रहे हैं, इसका मतलब है माने। ठीक। अगले ही शब्द है अंतर और अनंतर। अंतर माने भिन्नता, अनंतर माने बाद में। अगला शब्द है अभ्यास और अभ्यास। अभ्यास माने किसी कार्य को बार बार करना, जैसे कि आप हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते हैं, बार बार पढ़ते हैं और बार बार लिखते हैं, इसे कहते हैं अभ्यास। और अभ्यास माने निकट यानी पास। ठीक है। अगला शब्द हमारा है अंब और अंबु। अंब माने माता, अंबु माने जल। ठीक है। और भी शब्द हैं, लगभग 70 शब्द हैं हमारे आज के वीडियो में। तो अगला शब्द है अगम और आगम। अगम माने दुर्लभ, आगम माने उत्पत्ति। अमूल और अमूल्य। अमूल माने बेजड़, अमूल्य माने अनमोल। अगले शब्द है हमारे अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ माने जानकार, अनभिज्ञ माने अनजान। अगले शब्द है अलिक और अलीक। अलिक माने ललाट, अलीक माने झूठ। अगले शब्द हैं अभिसार और अभिसार। अभिसार माने प्रेम, प्रेमी से छिपकर मिलना, और अभिसार माने आक्रमण। यहाँ पर सिर्फ भा में छोटी की मात्रा लगी और यहाँ में भा में बड़ी की मात्रा लगी, सिर्फ इतना अंतर है। अच्छा, अगला शब्द है अल और आली। अली माने भौरा, आली माने सखी। अगला शब्द हमारा अरबी और अरवी। यहाँ बा में बड़ी की मात्रा लगी है और यहाँ वा में बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो अरबी माने होता है अरब देश की भाषा, और अरवी माने होता है घुइया सब्जी। घुइया सब्जी जो आपने देखी भी होगी और शायद खाई भी होगी। अगला शब्द है अभिराम और अबिराम। अभिराम माने सुंदर, अविराम माने लगातार। अगले शब्द है हमारे अनिष्ट और अनिष्ठ। यहाँ पर टा है और यहाँ पर ठा है, बस इतना अंतर है। तो अनिष्ट माने होता है हानि और अनिष्ठ माने होता है निष्ठाहीन। अगला शब्द है अपकार और उपकार। अपकार माने बुराई, उपकार माने भलाई। अगला शब्द है अमित और अमीत। अमित माने अधिक, अमित माने दुश्मन। यहाँ पर माँ में छोटी ई की मात्रा है तो अमित हो गया, यहाँ पर माँ में बड़ी ई की मात्रा है तो अमित हो गया।
अमित माने अधिक, अमित माने दुश्मन। अगला शब्द है अभियान और अभिमान। अभियान माने चढ़ाई, अभिमान माने घमंड। अगले शब्द हमारे हैं अविरोध और अवरोध। अविरोध माने मेल, यानी बिना विरोध के। अविरोध और अवरोध, अविरोध माने मेल, ठीक है। और यहाँ पर है अवरोध माने रुकावट, ठीक है। अगले शब्द हैं अपत और अपट। अपत माने बिना पत्ते के, और अपट माने वस्त्रहीन, यानी बिना वस्त्र के। अगले शब्द है हमारे अविलंब और अवलंब। अविलंब माने तुरंत, यानी विलंब किए बगैर, अविलंब यानी तुरंत, अवलंब माने सहारा। अगले शब्द हैं अश्व और अस्य। अश्व माने घोड़ा, अस्य माने पत्थर। अगले शब्द हैं अर्जन और अर्जुन। अर्जन माने संग्रह, अर्जुन माने स्वर्ण यानी सोना, और अर्जुन एक पेड़ भी होता है, आपने देखा होगा। और अर्जुन पांडव श्रेष्ठ अर्जुन, यानी पांडवों में एक अर्जुन थे वो अर्जुन। और अगले शब्द हैं अभय और उभय। अभय माने निर्भय, उभय माने दोनों। अगले शब्द हैं अर्घ और अर्घ्य। अर्घ माने जलदान, अर्घ्य माने पूजा द्रव्य। अगले शब्द हैं अन्न और अन्य। अन्न माने अनाज, अन्य माने दूसरा। अगले शब्द हैं अजर और अजिर। अजर माने जो पुराना ना हो, और अजीर माने आंगन। अगले शब्द हैं आवृत और आवृत्ति। आवृत माने घिरा हुआ, आवृत्ति माने दोहराना, यानी किसी कार्य को बार बार करना, आवृत्ति, ठीक है। अगले शब्द हैं अशक्त और असक्त। यहाँ पर अशक्त में तालब्य सा लिखा हुआ है, यहाँ असक्त में दंत सा लिखा हुआ है, तो ये अशक्त है असमर्थ और ये असक्त है उदासीन। अगले शब्द हैं आदि और आदि। यहाँ पर दा में छोटी की मात्रा है तो आदि हो गया, यहाँ पर दा में बड़ी की मात्रा है तो आदि हो गया। आदि माने आरंभ यानी शुरुआत, शुरू, और आदि माने अभ्यस्त यानी किसी चीज का आदि हो जाना, ठीक है। अगले शब्द हमारे हैं आसक्त। आसक्त और आसकत। आसक्त माने लिप्त, आसकत माने सुस्ती। अगले शब्द हैं आकार और आकर। आकार माने आकृति, आकर माने खान। खान जैसे कि कोयले की खान होती है या अभ्रक की खान होती है, ऐसे खान, ठीक, आकर माने खान, आकार माने आकृति। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत से शब्दों के अर्थ भी जाने होंगे। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दो लिंक दिए हैं, एक लिंक इस वीडियो से पहले वाला वीडियो का और एक लिंक इसके आने वाले वीडियो का, ठीक है, जिसके बाद वाला वीडियो है उसका। तो हमारे हर वीडियो में ऐसे ही दो लिंक मिलेंगे आपको हर डिस्क्रिप्शन में, उस जरिया से आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर बहुत ही सरल भाषा में और बहुत व्यवहारिक तरीके से आप लोगों को हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाया है, तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो जो हमारे